नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंगल है और मैं बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ हेल्दी टिप्स शेयर करूँगी जो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने आप को हेल्दी एनर्जेटिक रख सकते हैं और बहुत सारी जो आजकल की लाइफस्टाइल चैलेंजेस चल रहे हैं उनसे बच सकते हैं। हम सबको पता है कि आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे ओबेसिटी, PCOD, डायबिटीज, कैंसर, हाई BP, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इन सब से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कुछ अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स लगा के। तो फर्स्ट जो हेल्दी हैबिट है वो मैं सजेस्ट करूँगी कि हम लोग को अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर बॉडी वेट। वो 70% बॉडी वेट हमारा वाटर से बनता है एंड वाटर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर बॉडी, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी और वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। तो सबसे पहले सुबह उठ के हमें यही काम करना है कि एक ग्लास गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर वी हैव टू टेक। उसके साथ हम उसमें फाइबर ऐड कर सकते हैं या लेमन ऐड कर सकते हैं एज़ पर अवर चॉइस। और ये तो हुआ सुबह उठते ही, है ना, और दिन भर भी हमें ये करना है कि हर आधे पौने घंटे में, एवरी 30 to 40 minutes हमें सिप्स पीते जाना है, पानी पीते जाना है। तो ये फर्स्ट हैबिट है। सेकेंड जो एक हेल्दी हैबिट मैं आपको कहूँगी कि विद इन 10 to 15 minutes ऑफ वेकिंग अप, है ना, सुबह उठ के 10 से 15 minute में आप कुछ खा लें। क्योंकि क्या होता है, बॉडी जो है रात भर जब हम सोते हैं तो वो फास्टिंग मोड में जाती है, तो सुबह हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल काफ़ी डाउन होता है। तो हमारे को ये करना है कि हमें अपनी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मॉर्निंग में रिप्लेनिश करना है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि विद इन 10 to 15 minutes ऑफ वेकिंग अप हम या तो एक कोई फ्रेश फ्रूट खा लें या फिर हम ड्राई फ्रूट्स खा लें। तो थर्ड हैबिट की जो मैं बात करूँगी, जो कि एक बहुत कॉमन सबके घर में चलता है, कि सुबह सुबह उठ के पहला काम लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, और वो चाय मिल्क या विदाउट मिल्क हो सकती है, शुगर या विदाउट शुगर हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, हर्बल हो सकती है, उलोंग हो सकती है। सो एनी टाइप ऑफ टी और कॉफ़ी जो हैं वो स्टिमुलेंट्स हैं, और सुबह सुबह हमें पहला ही काम उठ के चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि बॉडी उस टाइम बिल्कुल काम एंड रिलैक्स है। और इस तरह का स्टिमुलेंट डालते ही हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, हमारा BP बढ़ सकता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ सकता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है। एंड फिर इससे क्या होता है कि हमारी भूख भी मिटती है और हम फिर ब्रेकफास्ट और डिले करते हैं। तो अवर हैबिट शुड बी कि उठते ही पहला एक ग्लास गर्म गुनगुना पानी, और सेकेंड इज कि 10 से 15 मिनट में हम कुछ खा लेंगे, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। और फिर हमें फोर्थ हैबिट ये करना है कि हमें विद इन 1 to 2 hours ऑफ वेकिंग अप कुछ एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना है, जिसमें आपका हाई प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए उस सुबह के ब्रेकफास्ट में, और फाइबर रिच वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो इसमें हम अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं कि हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर रिच न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, क्योंकि वही है कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल्स को रिप्लेनिश करना है। वरना क्या होगा कि अगर हम बहुत लेट ब्रेकफास्ट करेंगे तो बॉडी जो है अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए मसल ब्रेकडाउन शुरू कर देगी, और हमारा मकसद है कि बॉडी फैट हमारा बर्न हो, ना कि बॉडी मसल। बॉडी मसल तो हमें प्रिजर्व करके चलना है। तो फिफ्थ हैबिट इज, जो लास्ट हैबिट आज की मैं आपको बताऊंगी, कि वी हैव टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा पर जल्दी। पूरा दिन में हमें थोड़ा पर जल्दी खाना है, बहुत लंबा गैप नहीं देना है 5-5, 6-6 घंटे का, कि अगर हमने मॉर्निंग में 8 बजे किया तो 1 बजे लंच कर रहे हैं और फिर 9 बजे डिनर कर रहे हैं, इतना लंबा गैप नहीं देना है। हर 2 घंटे में हमें कुछ थोड़ा थोड़ा खा लेना है। वो हमारा हेल्दी स्नैकिंग में भी फ्रेश फ्रूट हो सकता है, बॉयल्ड या स्टीम्ड सीजनल वेजिटेबल्स हो सकती हैं, इतनी आजकल बहुत अच्छी सीजनल वेजिटेबल्स आ रही हैं, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैरेट, कैप्सिकम, इनको हम बॉयल या स्टीम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्यों हमें हर 2 घंटे में खाना है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि जितना लंबा गैप दें तो मेरा वेट स्टेबलाइज रहेगा, और आप क्या बता रहे हो कि हर 2 घंटे में खाना है। तो इसमें यह है कि हर 2 घंटे में जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि ये जो आदमी है या जो लेडी है ये मुझे हर 2 घंटे में खाना दे देती है, तो मुझे अपना रिजर्व तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। वरना क्या होता है, बॉडी जो है अपना रिजर्व तैयार करती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, कि अगर ये आदमी मुझे 5-5, 6-6 घंटे खाना नहीं देगा तो मुझे अपने
एनर्जी को लेने के लिए मेरे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए। एंड फिर जब भी हम वो 5-6 घंटे में खाएंगे तो वो जो भी हम खाएंगे वो फिर फैट में कन्वर्जन ज़्यादा होगा टू क्योंकि वो बॉडी उसको रिजर्व में लेके जाएगी फैट के फॉर्म में। जैसे वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैमल, है ना, ऊँट क्या करता है डेजर्ट में, वो उसके हम्प में वो अपना तैयारी रखता है, वो कि उसमें पानी और खाना स्टोर रखता है ताकि जितने दिन वो डेजर्ट में रहेगा जहाँ उसको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा तो वो उस हम्प से अपना रिजर्व से अपना वहाँ पे पानी खाना लेता रहता है। तो यही काम हमारी बॉडी करती है। तो हमें बॉडी को सही सिग्नल देना है कि भाई आपको रिजर्व क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आई एम गिविंग यू फूड एवरी 2 आवर्स। दूसरा ये है कि अगर हम बहुत लंबा गैप देते हैं खाने में तो क्या है, स्टमक में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है वो रिलीज हो ही रहा है। अब स्टमक को तो नहीं पता कि भाई ये बंदा जो है मीटिंग्स में बिजी है या ये मुझे खाना नहीं देगा, है ना। तो फिर जब 5-6 घंटे का गैप रहेगा तो वो एसिड उसमें स्टोर मतलब इकट्ठा होता रहेगा स्टमक में एंड इट कैन लीड टू हाइपर एसिडिटी और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्टबर्न की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। दूसरा, जब हम थोड़ा पर जल्दी खाते हैं तो एक बार में हम कम खा रहे होते हैं, तो जब कम खा रहे होते हैं तो बॉडी की कैलोरीज अच्छे से बर्न हो जाती हैं एंड हमारा बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता, तो इट हेल्प्स इन अवर वेट लॉस जर्नी ऑल्सो। सो ये आज की मेरी 5 हेल्दी टिप्स थी एंड आगे के लिए स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यू। थैंक्स।